हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं क्लास टेंथ का सीटीसी मैथ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1। कल मैंने आप लोग को 8.1 में एक होमवर्क दिया था त्रिभुज एबीसी में, जिसका कोण बी समकोण है। यदि टेन ए बराबर 1/√3 तो निम्न का मान क्या है। एक नंबर क्वेश्चन था साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दो नंबर क्वेश्चन था कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। आप लोग बनाए होंगे, आप लोग इसको मिला लें, होमवर्क अपना चेक कर लें, ठीक है। देखिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। देखिए पर त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, देखिए एक त्रिभुज हम लोग खींचेंगे जिसका नाम हम लोग रख देंगे ए बी सी। बी को बोला है क्या कि समकोण है, बी को क्या बोला है समकोण है। अब कह रहा है बी समकोण है यदि टैन ए बराबर, कह रहा है कि टैन ए बराबर 1/√3। टैन का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है लंब बटा में आधार, क्या होता है लंब बटा में आधार। लंब एक हो गया, आधार कितना हो गया √3। तो यहाँ पर एक और रहता है, थीटा कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा, थीटा का मान यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए तो लंब हमारा एक है, तो लंब के जगह पर यहाँ पर ये लंब है एक, और आधार हमारा कितना है √3। क्लियर है। देखिए तो जब लंब मिल गया आधार मिल गया तो क्या करना है, क्या कोण है, तो कोण बराबर सूत्र लिखेंगे। कोण बराबर क्या सूत्र होता है कि रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि कोण हमारा इसमें क्या है एसी है, ए सी बराबर रूट में, ठीक है, लंब क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं। फिर इसको देखिए बी सी का मान कितना है एक, एक का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए बी का मान कितना है तो √3 स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो एक का स्क्वायर जो होगा एक होगा, आप ये जानते हैं कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, ठीक। इसको एक और 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ गया 4। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यानी कि आपका ए सी का मान जो हमारा आ गया वो कितना आया 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। देखिए इतना तो हम लोग समझ गए, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन सी। पहले हम लोग थीटा अलग अलग जगह पर बोला है, एक जगह बोला है ए पर रखने के लिए, एक जगह बोला है सी पर, तो हम इसको पहले टेबल की तरफ इसको मान निकाले, पहले छोड़िए। देखिए साइन ए ए पर है, ए वाला एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, इसका मान हम इससे तो निकाल सकते हैं, ठीक है, आसान है। जैसे मैं साइन का हम बोला देंगे लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, और कॉस ए है इसका भी यहीं पर लिख देंगे कॉस ए, इसका होता है फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण। थीटा बोला है ए पर ही है। देखिए तो इसमें आधार √3 है, लंब एक है, कर्ण 2 है, लंब का मान कितना है एक, आप लिखेंगे एक, और कर्ण का मान हमारा 2। इसमें आधार कितना है √3, कितना √3, और कर्ण कितना है 2। अब देखिए अब कह रहा है ए पर थीटा नहीं रखने के लिए बोल रहा है किस पर रखने के लिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, बोला है सी पर रखने के लिए, तो हम यहाँ पर सी को कर देंगे जब थीटा, आधार कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है, और लंब हमारा √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि कॉस सी, यानी इसका भी फॉर्मूला तो वही होगा आधार बटा में कर्ण,
फिर है साइन सी, साइन सी, तो इसका फॉर्मूला है लॉग बटा में कर्ण। सी पर जब थीटा हुआ तो आधार के मान कितना हुआ एक और कर्ण का मान दो, इसको लिखेंगे एक बट्टा में दो, और लंब इसमें कितना है रूट थ्री, रूट थ्री, और कर्ण कितना है तो दो। ठीक है, अब इस मान को यहाँ इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं देखिए साइन ए का मान कितना हुआ एक बट्टा में दो इंटू मतलब गुणा। ठीक है, और कह रहा है कॉस सी, तो कॉस सी यहाँ पर है, कॉस सी यहाँ पर है, कॉस सी का मान कितना है एक बट्टा में दो, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस ऐसे दे देंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है कॉस ए, तो कॉस ए का मान कितना है रूट थ्री बट्टा में दो इंटू इंटू है साइन सी बोल रहा है, तो साइन सी इसमें यहाँ पर है इसका मान कितना है रूट थ्री बट्टा दो। ठीक है, इसको हम लोग इधर सॉल्व कर दें, एक में एक से गुणा करेंगे दो में दो, देखिए एक और दो दूनी के चार। ठीक है, दो दूनी के क्या हो जाएगा चार हो जाएगा। ठीक है, और रूट तीन में गुणा करेंगे तो प्लस के तीन है बीच में तीन होगा, और दो में दो से दो दूनी के चार। क्लियर, देखिए इसका एलसीएम हमारा कितना होगा चार, एक प्लस तीन मिलके दोनों हो जाएंगे चार बटे चार, चार से चार कट गया तो बच्चा हमारा कितना यहाँ पर ही लिख सकते हैं आप एक, इसका आंसर कितना होगा एक। ठीक, इसको आप स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है, देखिए इधर से मिटा रहे हैं, देखिए एक नंबर उधर सॉल्व हो गया, इधर दो नंबर सॉल्व कर दे रहे हैं, दो नंबर बोल रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, देखिए इस अगर हम एक टेबल इस तरह से बना लिए तो इसमें मान आराम से पुट कर देंगे। ठीक है, तो मान पुट करेंगे तो कॉस ए का मान कितना है, देखिए कॉस ए का मान यहाँ पर है रूट थ्री बटा में टू, यानी लिखेंगे रूट थ्री बटा में टू गुना कॉस सी का मान कितना है जी एक बटा में दो, एक बटा में दो माइनस चिन्ह साइन ए का मान कितना है एक बटा में दो इंटू साइन सी का मान कितना है रूट थ्री बटा में दो। क्लियर, देखिए ऊपर वाले ऊपर से गुणा करेंगे तो रूट थ्री बटा में कितना हो जाएगा दो दूनी के चार, माइनस है रूट थ्री में वन से करेंगे रूट थ्री दो दूनी के चार। ठीक है, एलसीएम हम लोग इसका लेंगे चार, तो रूट थ्री माइनस क्या हो जाएगा रूट थ्री। ठीक है, रूट थ्री हो जाएगा, जब इसको हम लोग एक प्लस है माइनस एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो बटा चार, इसको डिवाइड करेंगे बांट देंगे हम लोग को तो क्या प्राप्त होगा जीरो, इसको आप लोग एरो के निशान दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आपका पहला और दूसरा होमवर्क आपको दिए थे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लें। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दस नंबर की ओर, देखिए यह आपका होमवर्क था। ठीक है, आप लोग इसको मिलाए, देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन वो भी बहुत आसान है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा समझना है, बोला है 10 नंबर त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यों समकोण है, कोण है। ठीक है, फिर बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर 5
5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है साइन पी कॉस पी, साइन पी कोमा कॉस पी कोमा टेन पी का मान ज्ञात करें, टेन पी का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए ये सवाल एमबीबीआई है, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे, आसान सा सवाल है, ठीक है। इसको कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, इसका हम लोग सोल्यूशन करें। त्रिभुज, एक त्रिभुज हम लोग खींचेंगे, समकोण त्रिभुज बोला है पी क्यू आर में, क्यू समकोण है, क्या है, क्यू समकोण है, 90 डिग्री है। पी आर प्लस क्यू आर, देखिए यहां पर लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और बोला है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर हम लोग कर दिए, ठीक है, और इस पी आर और क्यू आर दोनों को मिलाकर हमारा कितना दिया है, मान 25 दिया है, ठीक है। तो 25 जब दिया है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माना कि, माना कि क्यू आर बराबर एक्स, क्या मान लें, इतना दूरी को एक्स मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग यहां से यहां तक मान, जब एक से दोनों मान दिया है तो इसको मान सकते हैं 25 माइनस एक्स, यहां तक हो गया, इसको ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। देखिए तथा पी आर बराबर 25 माइनस एक्स मान लिए, तब इसमें हम लोग का देखिए लंब या तो इसको मान ले चाहे इसको मान ले, आधार किसको मान सकते हैं, कर्ण है, ठीक। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पर चलेंगे, ठीक है, कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोण आपका इसमें क्या दिया है, पी आर दिया है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब हम मान लेते हैं पी क्यू को, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि पी क्यू के स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो मान है इसमें पुट कर देंगे, जैसे आपका पी आर का स्क्वायर है तो 25 माइनस एक्स, इसका हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है 5, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। क्यू आर का मान हम लोग क्या माने हैं एक्स, इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बन रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका बन रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना का फॉर्मूला यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ए बी, ए बी है ए स्क्वायर 25, इसको ए मानेंगे, इसको बी, एक्स को बी मानेंगे, ए स्क्वायर, यानी कि आप इसको ऐसे भी करेंगे 25 ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, कह रहा है 2 ए बी, 2 फॉर्मूला से ए का मान हमारा 25 है, बी का मान एक्स है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बी का मान एक्स है, अब प्लस यहाँ पर फॉर्मूला में है, कह रहा है बी का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर कर देंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे बराबर आपका है 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर करेंगे तब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए 25 का वर्ग कितना होता है,
625, 25 का वर्ग कितना होता है 625 माइनस 25 दोनों के 50, 50 में और x लग गुणा करेंगे 50x प्लस x का वर्ग x स्क्वायर और यहां पर आपका होगा 25 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां प्लस में इधर जाके हम हो जाएगा तो माइनस में, तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे कटा भी सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर ये प्लस में है, इधर आके माइनस में, इधर ये माइनस में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 625 माइनस 25 हो जाएगा और इधर जब ये माइनस में 50x है तो बराबर को सेट जाएगा तो प्लस में 50x हो जाएगा। क्लियर है, देखिए तो इसको अगर हम लोग घटा रहे हैं तो हमारा घटाव जो होगा 600 और इधर एक गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, और x जब इसको हम लोग भाग देंगे तो 12 में जाएगा। ठीक है, यानी x का मान आपका कितना आया 12। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि QR, इसलिए बोल सकते हैं कि QR बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर आपका बोला है 25 माइनस x यहां पर, तो 25 x का मान कितना है 12, घटा देंगे तो बचेगा कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका मान हम लोग यहां पुट करेंगे, QR का मान कितना है तो 12 और इसका मान कितना है तो 13। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिए अब हम लोग मान निकालेंगे, इधर मान निकाल रहे हैं जो आपका मान पूछ रहा है। जैसे मैं आपका बोला है कि साइन पी साइन का फॉर्मूला होता है लॉन्ग बटा में कर्ण कॉस पी, यानी कॉस पी थीटा कहां पर हमको रखना है तो पी पर रखना है, यानी आधार हमारा क्या हो गया 5 और लॉन्ग क्या हो गया 12। ठीक, फिर आपका बोला है टैन पी यानी आधार इसका हो जाएगा कॉस का आधार बटा में कर्ण और टैन का हो गया लंब बटा में आधार। ठीक है, अब यहाँ मान हम लोग लिख देंगे, इसमें लंब आपको पता चलिए गया, लंब का मान कितना है 12 और कर्ण का मान कितना है 13। ठीक है, आधार का मान कितना है 5 और कर्ण का मान है 13। ठीक है, और इसमें लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इसमें 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अभी नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक 8.2 नहीं पढ़ेंगे उसमें जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला को पढ़ते रहेंगे उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम आप लोग के लिए एक टेबल जो है फॉर्मूला का बना रहे हैं, आप लोग इसको उतारते चलें। देखिए टेबल बना लें इस तरह से, यहां पर कोण ए, फिर टेबल हम आपको बना दे रहे हैं 30 डिग्री। अब हम लोग चालू करेंगे 8.2। ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग अपना बनाते रहेंगे। जैसे मैं आपका यहां पर साइन ए फिर है कॉस ए, फिर है टैन ए, फिर है कॉट ए, फिर है सेक ए, फिर लास्ट आपका बच गया कॉस ए। इस तरह स्टेबल हो गया, अब इसका मान इसमें हम लोग रख लेंगे बस बन जाएगा।
इसको आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान होगा, अपॉन टू इसी पर टोटल बनेगा। जैसे मैं आप बोल देंगे कि साइन जीरो डिग्री का मान जीरो होता है, इसका वन बाई टू, इसका वन बाई रूट टू, इसका रूट थ्री बाई टू, इसका एक, ठीक। और यहाँ पर कॉस जीरो डिग्री मान एक होता है, रूट थ्री बटा में टू होता है, वन बाई रूट टू और वन बाई टू, फिर हो जाएगा जीरो, फिर हो जाएगा टेन जीरो डिग्री का मान जीरो, वन बाई रूट थ्री, फिर हो जाएगा एक, फिर हो जाएगा रूट थ्री, फिर हो जाएगा अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव, ठीक है। इस तरह से फिर हो जाएगा आपका टेन का हो गया, फिर हो जाएगा कॉट, कॉट का अपरिभाषित जीरो डिग्री मान होता है, ठीक। इसके आप कर सकते हैं रूट थ्री, इसको आप बोलेंगे एक, इसको वन बाई रूट थ्री, ठीक है, और इसको बोलेंगे एक जीरो, ठीक। देखिए अब अगला आपका है सेक जीरो डिग्री का मान एक और दो बटा रूट थ्री, फिर हो जाएगा रूट दो, रूट दो, फिर हो जाएगा आपका दो और यहाँ पर अपरिभाषित, ठीक। उसी तरह से कोसेक का यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित, फिर हो जाएगा दो रूट दो, फिर हो जाएगा दो बट्टा में रूट थ्री, ठीक है, फिर हो जाएगा एक, ठीक है। इसको आप स्क्रीन शॉट ले लें, जैसे कि आप लोगों को याद करने के लिए हम बता दे रहे हैं इसको कैसे आप याद करोगे कि यहाँ पर साइन कॉस टेन का याद कर लेना है। जैसे इस तरह से याद कर लिए, यहाँ से सीधे मैं जाएंगे एक बटा दो, एक बाई रूट टू, रूट थ्री बटा टू, इसको सीधे यहाँ से पलट देंगे तो कॉस का हो जाएगा, पलट दिए तो कॉस हो गया, ठीक। उसी तरह से जैसे हम लोग साइन का है एक बटा दो, तो यहाँ पर देखिए कॉसेक, आप जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक। आप इसको स्क्रीन शॉट लेकर और इसको आप रट जाए, ठीक है। देखिए अब इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, अपॉन टू का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला है साइन 60 इंटू कॉस 30 इंटू नहीं सॉरी प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 बोला है, बोला कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। देखिए आप लोग टेबल में से मान देखकर आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप साइन 60 का मान, हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करने के बाद देखिए क्या रहा है, साइन 60 का मान होता है रूट थ्री बटा टू, ठीक है, और इंटू कॉस 30 का मान वही होता है रूट थ्री बटा में टू, प्लस साइन 30 का मान होता है एक बटा में टू इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है एक बटा में दो, रूट थ्री में गुणा करेंगे तो रूट नौ होगा, तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ, तीन दो दून के चार, प्लस वन बटा में दो दून के क्या हो जाएगा चार। बहुत आसान है, ठीक है। देखिए चार चार का एलसीएम कितना होगा चार, ठीक, तीन प्लस एक, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो चार बटा चार यानी कि आपका हो गया, भाग दीजिएगा एक, यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए इसमें दो नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं,
दो नंबर क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है तो इसको भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देखिए टू गुना है टेन का मान 45 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है अभी आप लोग पता है हम, प्लस कॉस 30 का मान जो होता है रूट 3 बटा में क्या हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 60 का भी मान कितना होता है रूट 3, साइन 60 का मान रूट 3 बटा में 2, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 इसका 3 हो गया, 2 दुनी के 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पर 3 2 दुनी के 4, क्लियर। 2 में 1 से गुणा 2 फिर प्लस 3 बटा में 4 माइनस 3 बटा में 4, यहाँ पर आप इसको कटा कर भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अभी इसको हम और बढ़ा लिख सकते हैं, जैसे बढ़ा लीजिए यहाँ बटा 1 छिपा हुआ है तो 1 4 किलोमीटर 4 4 दुनी के क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 3 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्लस में 8 3 कितना हो गया 11 माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। देखिए 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8 बटा में 4 4 दुनी के 8, क्लियर। ये आंसर हुआ आपका, ठीक है। एरो के निशान देते चलेंगे। देखिए इतना आप लंबा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप चाहते थे इसको प्लस माइनस कटाकर आंसर 2 ला देते हैं, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको मैं 3 नंबर आज भी एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको भी आप सॉल्व करके रखिएगा, कल हम फिर बनाएंगे आप उसको मिलाइएगा कि आप सही बना रहे हैं या गलत। तीन नंबर आपका क्वेश्चन, ये आपका एच डब्ल्यू है घर के लिए कॉस 45 बट्टा सेक 30 सेक 30 प्लस कॉस सेक 30, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसको बना के रखिएगा, कल हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, घर पे बढ़िया से पढ़ाई करें, ठीक है, धन्यवाद।